Hello and welcome to 30 Mein 30, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. Ek aisa show, jahan khabrein hongi fatafat, yani ek ke baad ek 30 khabrein. To intezaar kis baat ka? Let's take a look. 30 khabrein fatafat. कटरीना कैफ को नहीं पसंद आया एक कमेंट। फिल्म जगा जासूस की शूटिंग करके मुंबई लौटी कटरीना को जब मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया तो मीडिया ने करनी चाहिए उनसे बात और कटरीना ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। तो किसी ने कहा कि जब बात नहीं करनी थी तो बुलाया क्यों? ऐसे में कटरीना ने दिया कुछ ये जवाब। मैंने नहीं बुलाया सर। 30 खबरें फटाफट। प्रियंका चोपड़ा को नहीं करनी अभी शादी। वेल, अपनी हॉलीवुड फिल्म बेवॉच की शूटिंग पूरी करके लौटी प्रियंका से जब उनकी शादी के बारे में सवाल किया गया तो उनका कुछ ये कहना था। नहीं, मेरी माँ ने ये नहीं कहा है। चलो चलो गाइस, थैंक यू। 30 खबरें फटाफट। अनुराग कश्यप हैं एक अच्छे ह्यूमन बीइंग। वेल, ये कहना है कल्की का। रिसेंटली फिल्म वेटिंग की स्क्रीनिंग के दौरान जब कल्की से उनके एक्स हस्बैंड अनुराग के बारे में सवाल किया गया तो उनका कुछ ये कहना था। बिल्कुल, वो बहुत अच्छा डायरेक्टर है, बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग है। 30 खबरें फटाफट। कटरीना कैफ लौट आई हैं मुंबई। फिल्म जगा जासूस की शूटिंग करके कटरीना वापस मुंबई आ चुकी हैं। रिसेंटली कटरीना कैफ को स्पॉट किया गया मुंबई एयरपोर्ट पर, जहां पर कटरीना ने मीडिया से नहीं की कोई बात। 30 खबरें फटाफट। प्रियंका चोपड़ा लौट आई हैं अपने घर। फिल्म बेवॉच की शूटिंग पूरी करके पीसी कुछ दिनों के लिए आई हैं अपने घर। बेवॉच की शूटिंग खत्म होगी, सबका पैकअप हो गया, फिल्म खत्म हो गई, अगले साल मई में रिलीज होगी। क्वांटिको सीजन 1 की शूटिंग खत्म हो गई, मैं घर आई हूँ अभी 10 दिन के लिए एंड क्वांटिको सीजन 2 के लिए जाऊंगी जुलाई में। 30 खबरें फटाफट। मुंबई में रखी फिल्म वेटिंग की स्क्रीनिंग, जहां हमने स्पॉट किया राधिका आप्टे, हुमा कुरेशी, कल्की और राजकुमार राव जैसे स्टार्स को। लेटर ऑन द शो, अनुष्का विराट का सीक्रेट वेकेशन। 30 खबरें फटाफट। प्रियंका चोपड़ा को बखूबी आता है पैपराज़ी को हैंडल करना। मुंबई एयरपोर्ट पर जब प्रियंका चोपड़ा को स्पॉट करके शटरबग्स की भीड़ जुट गई, तो ऐसे में प्रियंका ने पर्सनली इस बात का ख्याल रखा कि यहाँ किसी को नहीं आए कोई चोट। 30 खबरें फटाफट। हुमा कुरेशी खुद को मानती हैं ऑफ बीट सिनेमा क्वीन। फिल्म वेटिंग की स्क्रीनिंग पर पहुंची हुमा का खुद के बारे में कुछ ये कहना था। मैं तो ऑफ बीट की क्वीन हूँ ना, मतलब मुझसे ज़्यादा ऑफ बीट क्या हो सकता है। आई कम फ्रॉम गैंग टू बस फोर एंड आई हैव बीन, आई डोंट थिंक, बट आजकल कुछ ऑफ बीट है। 30 खबरें फटाफट। अपनी दोस्त कल्की की फिल्म को देखने पहुंची राधिका आप्टे। ऐसे में कल्की की फिल्म वेटिंग के लिए क्या है राधिका का कहना, चलिए उनसे जानते हैं। अभी वी बिकम वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स एंड कोइंसिडेंटली बोथ आवर फिल्म्स आर रिलीजिंग एट द सेम टाइम व्हिच इज अमेजिंग। बोथ स्मॉल फिल्म्स एंड नीड एब्सोल्युटली एवरी काइंड ऑफ सपोर्ट, सो वी आर हियर टू सपोर्ट ईच अदर। 30 खबरें फटाफट। ऐश्वर्या राय ने कल मीडिया से बात करते हुए बताया कि कैसे बिग बी ने उन्हें सरबजीत के काम के लिए अप्रिशिएट किया। मैं परिवार की सदस्य हूँ, मैं बहू हूँ, मैं बेटी हूँ, तो आज अगर वो सर पर हाथ भी रखें और प्यार से गले लगाकर मुझे कहें कि बहुत अच्छा काम किया, और अगले दिन फिर से कहें और फिर से कहें और मुझे मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हैं बाकी लोगों के जो उन्हें कर रहे हैं, मेरे काम को सराह रहे हैं, ये सब मेरे लिए बहुत मायना रखता है। 30 खबरें फटाफट। रिसेंटली फरदीन खान को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया जब उनकी ये फोटोग्राफ सामने आई और लोगों ने उनके वेट को लेकर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उस पर अब फरदीन ने रिएक्ट किया है और जवाब देते हुए लिखा, नॉट अशेम्ड, नॉट शेम्ड, नॉट ऑफेंडेड, नॉट डिप्रेस्ड, नॉट ब्लाइंड ईदर, हैप्पी।
living the happiest chapter thus far with LBS to show for it. These khabrein fatafat. रिपोर्ट्स हैं कि अनुष्का शर्मा और विराट कोहली एक वेकेशन पर जाने का मन बना रहे हैं। खबर है कि अनुष्का अपनी मूवी फिल्लौरी के काम को फटाफट से निपटकर विराट के आईपीएल के बाद ब्रेक लेकर कहीं बाहर जाना चाहते हैं। साथ ही ये इस ट्रिप को एकदम प्राइवेट रखना चाहते हैं ताकि लोगों को इनकी लोकेशन का पता न चले। तीस खबरें फटाफट। रणदीप हुड्डा से जब कल पूछा गया कि सुल्तान मूवी में होते हुए भी वो ट्रेलर में ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं, तो सुनिए उनका जवाब। देखिए, इट्स अ सलमान खान फिल्म, सो सलमान खान शुड बी देयर। पीपल लाइक मी आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द प्रमोशन ऑफ सुल्तान। एनीवे, आई हैव प्रमोटेड 3 फिल्म्स बैक टू बैक एंड आई एम अ बिट टायर्ड अबाउट इट। 30 खबरें फटाफट। खबर है कि रणबीर कपूर को जब से मालूम पड़ा है कि दिल्ली बेस्ड उनकी फ्रेंड भारती और उनके बारे में अफेयर की न्यूज बन रही है, तब से रणबीर हैं मीडिया से थोड़े खफा। और उनके दोस्तों के हवाले से ये भी पता चला है कि वो मोरक्को से मुंबई पहुंचते ही सबसे पहले भारती से बात करना चाहते हैं ताकि उनसे और उनकी फैमिली से अपोलोजाइज कर सके। 30 खबरें फटाफट। रणदीप हुड्डा ने कल बात करते हुए सलमान खान के साथ काम करने का एक्सपीरियंस भी शेयर किया और साथ ही उनकी दोस्ती के बारे में भी बताया। It has always been great with Salman Khan. We are very good friends and it somewhere translates on screen and I'm very happy to just be in a movie with Salman Khan. I loved Kick. I loved being a part of Kick and I'm a part of Sultan. Though my part is a lot smaller than Kick, but hey, I'm there and we got to hang out and we did some good work. I think it's one of Salman's better. At best, probably the best performance. That time will tell, but it's one of his better performances. I think he's really doing well. 30 khabrein fatafat. खबर है कि शाहरुख खान अपनी करंट पीआर टीम से बहुत नाराज हैं और उसको चेंज करना चाहते हैं। जी हां, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी लास्ट मूवीज को ठीक से प्रमोट नहीं किया गया है, इसीलिए वो अब रेड चिलीज में पीआर टीम को चेंज करने का मन बना चुके हैं और इसके लिए लोगों से मिलना भी शुरू कर चुके हैं। 30 खबरें फटाफट। सलमान खान ने रिसेंटली एक रियलिटी शो के सेट पर अचानक जाकर अपने एक फैन की विश को किया पूरा। यही नहीं, सलमान खान ने इस फैन को ये कहकर खुश कर दिया कि वो और उनकी मॉम है उनके सबसे बड़े फैन। साफ है, सलमान खान से बेहतर कोई नहीं जानता कि एक फैन को कैसे खुश किया जा सकता है। 30 खबरें फटाफट। रिसेंटली एक डांस रियलिटी शो के सेट पर दिखी फिल्म हाउसफुल 3 की स्टार कास्ट की मस्ती। टेक अ लुक। 30 खबरें फटाफट। खबरों की माने तो एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड में अर्जुन कपूर के ऑपोजिट काम करना चाहती हैं और कहा जा रहा है कि इसी रोल के लिए उर्वशी आजकल खूब लॉबिंग कर रही हैं और रिसेंटली उर्वशी को मोहित सूरी से मिलते हुए भी देखा गया है। 30 खबरें फटाफट। रितेश देशमुख नरगिस फाखरी स्टारा फिल्म बैंजो का फर्स्ट पोस्टर सामने आ चुका है। इस पोस्टर में ना तो रितेश नजर आ रहे हैं और ना ही नरगिस। 30 खबरें फटाफट। कमिंग अप ऑन द शो, रितिक को करनी है कॉमेडी फिल्म। तीस खबरें फटाफट। शाहरुख खान अपने बेटे अबराम के बर्थडे को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, उसका पता उनके इस ट्वीट से लगाया जा सकता है। SRK ने कहा है, बर्थडे सेलिब्रेशन ऑन द प्लेन टू इंडिया विद टू ऑफ माय मिनियंस, होप वी गेट अ केक, अदरवाइज किंडर एग्स विल हैव टू डू। 30 खबरें फटाफट।
राम गोपाल वर्मा ने अपने एक स्टेटमेंट से फिर से सबको चौंका दिया है। रामू का कहना है कि सलमान आज देश के सबसे बड़े स्टार हैं और जहां तक शाहरुख खान का सवाल है वो सलमान के आसपास भी नहीं। वह लगता है अपनी फिल्म वीरप्पन के रिलीज से पहले रामू कोई बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी करना चाहते हैं। 30 खबरें फटाफट। ऋतिक रोशन अब करना चाहते हैं कॉमेडी फिल्म। ऋतिक रोशन अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर अब कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं और नए डायरेक्टर्स के साथ भी काम करना चाहते हैं। रिलायबल सोर्सेस की माने तो संजय गुप्ता की फिल्म काबिल फिनिश करने के बाद ऋतिक की नेक्स्ट फिल्म कॉमेडी हो सकती है। इनफैक्ट साजिद खान ने अपनी एक फन फिल्म का आइडिया भी ऋतिक के साथ शेयर किया है और जो उन्हें काफी पसंद भी आया। साजिद खान को अब फिल्म का नरेशन सुनाना है एंड आफ्टर द नरेशन ऋतिक विल डिसाइड इफ इट इज द नेक्स्ट प्रोजेक्ट ही विल गेट इनटू आफ्टर काबिल। 30 खबरें फटाफट। करीना कपूर होंगी सोनम कपूर की सिस्टर रिया कपूर की नेक्स्ट फिल्म की लीड एक्ट्रेस। वेल, हम बात कर रहे हैं रिया की नेक्स्ट फिल्म वीरादी शादी की, जिसे खूबसूरत डायरेक्टर शशांक घोष डायरेक्ट कर रहे हैं। हमने आपको बताया था कि ये फिल्म चार लड़कियों की कहानी पर बेस्ड है और सोनम के अलावा फिल्म में करीना कपूर हैं। फिल्म में सपोर्टिंग रोल के लिए स्वरा भास्कर और शिखा तलसानिया को फाइनल किया गया था। अब लेटेस्ट अपडेट ये मिली है कि रिया कपूर की इस फिल्म में सोनम नहीं बल्कि करीना कपूर फिल्म का लीड रोल वीरा प्ले करती आएंगी नजर। करीना ने फिल्म की स्क्रिप्ट सुनने के बाद ये मेक श्योर किया कि फिल्म में उनका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग और बड़ा होना चाहिए। 30 खबरें फटाफट। हेरा फेरी 3 में अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और परेश रावल ही नजर आएंगे, ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन फिल्म को डायरेक्ट करेंगे अहमद खान। वैसे इससे पहले हेरा फेरी 3 पार्ट को नीरज बोरा डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन जॉन अब्राहम और अभिषेक बच्चन के फिल्म से ऑप्ट आउट करने के बाद अब अहमद खान ऑन बोर्ड आ गए हैं। Says a source, all issues including the ones Akshay had with the producer Firoz Nadiadwala have been sorted. Neeraj will focus on the screenplay and script while Ahmed is directing it. Ye film isi saal October se floors par jayegi. 30 khabrein fatafat. बिपाशा बासु ने क्लियर कर दिया है कि उन्हें अभी मम्मी बनने की कोई जल्दी नहीं है। वेल, आप सोच रहे होंगे कि अचानक ये सब कैसे शुरू हुआ, तो आपको बता दें कि रिसेंटली शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के बेटे वियान ने अपना 4th बर्थडे सेलिब्रेट किया है, लेकिन क्योंकि बिपाशा वियान के बर्थडे के मौके पर आउट ऑफ इंडिया थी तो उन्होंने ट्विटर पर वियान को दी बर्थडे विशेस। हैप्पी बर्थडे टू माई लिटिल वियान राज कुंद्रा, गिव हिम अ टाइट हग फ्रॉम मी एंड करण सिंह ग्रोवर। बिपाशा बासु के इस ट्वीट पर राज ने रिप्लाई किया और उनसे कहा, थैंक्स सो मच, ही वांट्स टू नो व्हेन यू गाइस आर गिविंग हिम अ फ्रेंड। जिस पर बिपाशा ने रीट्वीट करके दिया ये जवाब, नॉट एनी टाइम सून, फॉर नाउ वी आर हिज फ्रेंड। 30 खबरें फटाफट। पीसी बनना चाहती हैं बॉन्ड। वेल, यू तो प्रियंका चोपड़ा अपने हॉलीवुड टीवी शो क्वांटिको और फिल्म बेवॉच की शूटिंग करके काफी लंबे समय बाद इंडिया लौट आई हैं। लेकिन इंडिया आने से पहले एक अमेरिकन डेली को दिए इंटरव्यू में जब पीसी से पूछा गया कि इफ शी वुड लाइक टू बी द नेक्स्ट बॉन्ड गर्ल, पीसी ने जवाब दिया, आई गेट दैट ऑल द टाइम, बट दैट आई वांट टू बी बॉन्ड। आई डोंट नो वेयर आई विल विन, बट आई नो आई वांट टू कीप मूविंग, कीप गोइंग। व्हेन आई अचीव समथिंग, देन आई एम लाइक, ऑलराइट, व्हाट्स नेक्स्ट। 30 खबरें फटाफट। एक साथ दो दो रणबीर कैटरीना, लेकिन ये देख इससे पहले आप थोड़े हैरान हो, हम बता दें कि ये है रणबीर कैटरीना के बॉडी डबल और मोरक्को से फिल्म जग्गा जासूस के शूटिंग से की है ये पिक्चर पोस्ट, जहां अपने अपने बॉडी डबल्स के साथ रणबीर और कैटरीना पोज कर रहे हैं। खैर, फिल्म के बार बार डिले होने के बाद अनुराग बासु की फिल्म जग्गा जासूस की शूटिंग फाइनली हो गई है पूरी और कैटरीना इंडिया भी लौट आई है। 30 खबरें फटाफट। राब्ता के बाद सुशांत सिंह राजपूत होमी अडजानिया की नेक्स्ट फिल्म में इरफान खान के साथ काम करने के लिए हैं ऑल सेट। वेल, सुशांत का मानना है कि सीजनड आर्टिस्ट्स के साथ काम करके उन्हें काफी कुछ सीखने को मिलता है। समटाइम्स व्हेन यू वर्क विद सच टैलेंटेड एक्टर्स, यू आर नॉट इवन अवेयर दैट यू आर लर्निंग एंड इम्प्रूविंग। आई फील एज एन एक्टर यू शुड ऑलवेज बी लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज टू वर्क विद स्किल्ड प्रोफेशनल्स एंड शुड ऑल्सो बी ओपन टू लर्निंग।
30 खबरें फटाफट। उड़ता पंजाब की रिलीज पर हॉल्ट लग गया है। दरअसल फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स और कस वर्ड्स हैं जिन पर बोर्ड को है एतराज। तो जब उड़ता पंजाब को सेंसर बोर्ड की नॉड नहीं मिली तो उन्होंने एग्जामिनिंग कमेटी को फिल्म के इन सीन्स और डायलॉग्स की इम्पोर्टेंस समझाने की कोशिश की। जी हाँ, द मेकर्स हैव डायरेक्टली अप्रोच्ड द फिल्म सर्टिफिकेशन एपेलेट ट्रिब्यूनल और FCAT इंस्टेड ऑफ रिजॉर्टिंग टू द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ द बोर्ड्स रिवाइजिंग कमेटी। इससे पहले फिल्म के प्रोमो को भी टोन डाउन किया गया था। 30 खबरें फटाफट।